जोहार साथियों, दरियाबाद उपचुनाव का रिजल्ट चल रहा है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो अपन को जनाधार मिलता है उसका सम्मान करना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि दरियाबाद के चुनाव में समथिंग अभी 21 राउंड हो चुके हैं और 21 राउंड के अंदर अपन को 40,000 के आसपास वोट मिले हैं, यानी 40,000 लोगों ने आपको अभी तक समर्थन दिया हुआ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें, हार जीत मायने नहीं रखती, यहाँ विचारधारा मायने रखती है। और विचारधारा में कितने लोग अपने साथ में हैं ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोनों राजनीतिक पार्टियों को छक्के छुड़ा दिए, अपन लोग निर्दलीय चुनाव लड़े उसमें सभी का साथ सहयोग रहा था। अभी कुछ हमें सूचना मिली है कि कलेक्ट्री के बाहर पत्थरबाजी जैसा माहौल पैदा हो गया है, तो पत्थरबाजी जैसा माहौल पैदा करके हमें ये पत्थरबाजी जो भी कर रहे हैं, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो चाहे किधर से भी हो, लेकिन पत्थरबाजी जैसा माहौल पैदा नहीं करना है। और अभी रिजल्ट जो भी हो उसको हमें मानना है, स्वीकार करना है। और अभी आने वाले समय में हमारा जो काम है, हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा घर घर नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से हम लोग अभी जीत के करीब आए हैं, जीते नहीं हैं। इसलिए साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस प्रकार की पत्थरबाजी में कोई इन्वॉल्व नहीं हो। संविधान का कानून का सम्मान करें। मैं थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में चल रहा था और आ रहा हूँ, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अपनी विचारधारा को ठेस लगे, विचारधारा बदनाम हो। आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका परचम लहराएगा, हमारा परचम लहराएगा। अभी सभी ने जो मेहनत किया, सभी ने जो अपना शेयर दिया, भूखे प्यासे स्वयं का पैसा लगा के, वो रिजल्ट आपके सामने है। अभी कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो आजाद नहीं होना चाहते, उन ब्लॉकों का क्या करें वो आप लोगों को और हम लोगों को मिलकर तय करना है। इसलिए साथियों मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कानून व्यवस्था और क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़े। हम सब क्षेत्र में शांति चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं। आप लोग ज़्यादा कोई आक्रोशित नहीं हो, मैं आपसे 20-25 किलोमीटर दूर हूँ और जल्दी ही आपके बीच में आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करें। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। थावरचंद ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमारी विचारधारा, हमारी सिलेक्शन प्रणाली ने बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय पार्टी को पछाड़ना और उनको धरातल सिखाना और आम जनता के बीच में बिठाना कितनी बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम करेंगे और निश्चित रूप से जो गुमराह हुए हैं उनको भी लाइन पे लाएंगे। इसलिए आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हम आपके बीच में बहुत जल्द पधार जाएंगे। गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, नहीं तो मैं आपके बीच में ही होता। आ रहा हूँ। धन्यवाद। जोहार। शांति व्यवस्था बिल्कुल बनाए रखना है, कुछ किंतु परंतु कुछ नहीं करना है। जोहार। जय आदिवासी। जय बिल प्रदेश।